अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीसाइथीमिया को। पॉली मतलब मैनी और साइथीमिया मतलब सेल्स। इसमें अब आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जबकि एनीमिया में हमारे पास आरबीसीज के सेल्स बॉडी में कम हो जाते थे। अब इसके दो टाइप्स होती हैं, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में हमारे पास क्या होता है, इसका कॉज ये होता है कि जब भी टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन में जाता है, यानी बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो, जैसे कि या तो हवा में बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो या फिर पर्सन ऐसी जगह रह रहा है जो कि हाई अल्टीट्यूड्स पर रह रहा है, ऊंचाई वाली जगह पर रह रहा है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होगी टिश्यूज तक वो कम हो जाएगी, या फिर कार्डिक फेलियर में। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो है, यानी ऐसे ऑर्गन्स जिन्होंने ब्लड सेल्स बनाने हैं, जैसे हमारे पास बोन मैरो है, तो वो लार्ज क्वांटिटी बनाएंगे, एक्स्ट्रा आरबीसीज बनाएंगे, तो इस कंडीशन को कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। यानी इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, वजह क्या है कि ऑक्सीजन कम है या फिर हाई अल्टीट्यूड्स में रहते हैं लोग, तो उस वजह से जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बाय ऐसे ऑर्गन्स जो आरबीसीज ब्लड सेल्स बनाते हैं, यानी बोन मैरो वगैरह। तो इसमें हमारे पास आरबीसी का काउंट जो होगा वो 6 to 7 मिलियन हो जाएगा, जबकि नॉर्मल हमें पता है कि मेल में और फीमेल में 5 to 4 मिलियन होता है, जो कि डिफरेंट होता है दोनों में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आरबीसी काउंट जो है वो 6 to 7 मिलियन हो गया है, जो कि 30% अबव नॉर्मल है। इसकी एक और टाइप होती है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। इसमें अब हमारे पास ऐसा होता है कि ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया की ही टाइप है, उन लोगों में जो कि 14,000 या फिर 17,000 फीट की हाइट पर रहते हैं, यानी अल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, तो उधर वहाँ पे नेचुरली एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कम होगी, तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो ब्लड काउंट जो होगा, मतलब एरिथ्रोपोइटिन जो है ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देगा, इन्हांस कर देगा, तो ब्लड काउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 to 7 मिलियन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली उसका फिजियोलॉजिकली जो है उसका ब्लड सेल मतलब आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। अब उसकी आरबीसीज जो है ज़्यादा बनेंगे ताकि वो अपनी अपनी जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजिकल नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट टाइप जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा की, ये हमारे पास दूसरी टाइप है पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसको हम अरिथमिया भी कहते हैं। ये अब फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आरबीसी काउंट जो होता है 7 to 8 मिलियन तक बढ़ जाता है, और हीमेटोक्रिट यानी जो सारे सेल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन हमें नॉर्मली पता है 40 to 45% थी, सारे सारे सेल्स की जो कलेक्टिव होती है उसको हीमेटोक्रिट कहते हैं, तो इसकी नॉर्मल तो 40 to 45% होती है, लेकिन जो है हमारे पास इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा इनके जो हीमेटोक्रिट है यानी जो सेल्स होते हैं उनकी परसेंटेज 60 to 70% हो जाती है। इसकी कॉज क्या होती है, हमारे पास जेनेटिक एबिरेशन यानी फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है ऐसे सेल में, जो कि इसको कहते हैं हीमोसाइटोप्लास्टिक सेल्स, स्टेम सेल्स होते हैं जो कि ब्लड सेल्स बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जब इनमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है तो जिसकी वजह से ये बनाते रहते हैं आरबीसीज को बनाते रहते हैं। द ब्लास्ट सेल्स नो लॉन्गर स्टॉप आरबीसीज व्हेन टू मेनी सेल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन, जो मतलब ऑलरेडी बॉडी में इतने सारे सेल्स प्रेजेंट है लेकिन ये जो है इनमें प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से ये दोबारा से सेल्स आरबीसीज बनाते रहेंगे। जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे किसी पार्ट में बॉडी के ट्यूमर हो जाए तो उसकी एक अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो जाती है, तो इन द सेम केस हमारे पास यहाँ पे भी ब्लास्ट सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आरबीसीज बनाएंगे क्योंकि उनमें जेनेटिक एबिरेशन हो गई है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारे पास ना सिर्फ पॉलीसाइथीमिया वेरा में हीमेटोक्रिट बढ़ रहा है बल्कि ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। अब इसमें हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ट्वाइस द नॉर्मल हो गया। अब अगर ब्लड जो है अगर आपकी वेसल्स में ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंगॉर्ज हो जाएगा। इंगॉर्ज मतलब वो स्वेल हो जाएगी ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाएगी, तो उसकी वजह ना और ब्लड को जो है फ्लो करना भी मुश्किल होगा, तो जिसकी वजह से जो है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज जो होगी वो इतने ब्लड के साथ फील हो जाएगी, तो ब्लड एक्सेस विस्कस ब्लड के साथ फील हो जाएगी क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी इस कंडीशन में 3 times ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि एनीमिया की कंडीशन में विस्कोसिटी ब्लड की कम हो गई थी क्योंकि ब्लड सेल्स कम हो गए थे। अब यहाँ पे हीमेटोक्रिट ही बढ़ रहा है यानी 60 to 7% ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं, तो जब ब्लड वेसल्स में ब्लड सेल्स बढ़ेंगे तो वो वेसल क्या हो जाएगी, इंगॉर्ज हो जाएगी यानी वो स्वेल हो जाएगी। तो ये हमारे पास था पॉलीसाइथीमिया जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया और पॉलीसाइथीमिया वगैरह। ये हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जेनेटिक एबिरेशन होती है, इसमें ना सिर्फ हीमेटोक्रिट बढ़ता है बल्कि ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, इंगॉर्ज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट सर्कुलेशन पर।
अब इसमें हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेशन में इसका इफेक्ट, हमने एनीमिया में तो पढ़ा था कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्डिक आउटपुट सेम रहता है। वाई? क्योंकि हमारे पास वीनस रिटर्न यानी ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट कम हो जाएगा। अब वो क्यों कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है तो ब्लड जो है ब्लड फ्लो थ्रू द पेरिफेरल वेसल्स जो है वो, मतलब जो ब्लड फ्लो करेगा वेसल्स तक, वो क्या करेगा, स्लगिशली यानी स्लो स्लो मूव करेगा। जब ब्लड स्लो मूव करेगा तो हमारे पास जो ब्लड रिटर्न करेगा हार्ट को वो भी स्लो हो जाएगा, तो वीनस रिटर्न हमारे पास स्लो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये है, इस एक तो एक कंडीशन ये है कि हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा वीनस रिटर्न, और दूसरी तरफ ये बात है कि हमारे पास वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। अब ये क्यों करेगा, क्योंकि ब्लड जो वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो चीज़ जिस चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाए तो इसका मतलब ब्लड फ्लो जो होगा जो वापस आएगा हार्ट को वो भी ज़्यादा होगा, तो दोनों की वजह से कंडीशन बैलेंस हो जाएगी, तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। यानी इसमें हमारे पास दो काम हो रहे हैं एक साथ, एक तो वीनस रिटर्न कम भी हो रहा है, लेकिन इस तरह से इधर से देखें तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और कार्डिक आउटपुट हमारे पास सेम रहेगा। इधर क्यों वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई है, विस्कोसिटी बढ़ गई है तो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा। जब ब्लड आहिस्ता फ्लो करेगा तो ब्लड जो है वापस जब हार्ट तक आएगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, तो यहाँ पे तो वीनस रिटर्न कम हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में देखें तो ब्लड वॉल्यूम भी तो बॉडी में बढ़ रहा है, यानी ब्लड सेल्स भी तो बढ़ गए हैं, तो जब ब्लड सेल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम बढ़ गया है तो जो वापस हार्ट को वॉल्यूम ब्लड का मिलेगा वो भी तो ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और कार्डिक आउटपुट सेम रहेगा।